चंद्रयान 3 ने सुना दी सबसे बड़ी खुशखबरी। अब भारत होगा नंबर 1 और रूस होगा नंबर 2। इसरो ने कर दिया सबसे बड़ा धमाल, पहुंचा दिया अंतिम कक्षा में हमारा चंद्रयान। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि हमारा चंद्रयान जो चंद्रमा कई कक्षा में चक्कर लगा रहा था, अब उसका चक्कर लगभग पूरा हो चुका है। अब हमारा चंद्रयान चंद्रमा के अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि इस अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद अब हमारा चंद्रयान कभी भी चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद से एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बनकर ही रहेगा। हालांकि रसिया इसके लिए दूसरा नंबर वाला जो बाजी होगा वो तो मार लेगा, लेकिन पहले नंबर वाली बाजी तो सिर्फ और सिर्फ भारत मारने वाला है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अभी अभी इसरो ने दी है। इस अपडेट के आने के बाद से पूरे भारतवासी के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो बताया जा रहा है कि इस खबर के बाद अब बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 हमें एक दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। तो आखिर वो कौन सी खुशखबरी है, आखिर चंद्रयान 3 कैसे पहुंचा अंतिम कक्षा में, और अब भारत और रसिया के बीच जो कंपटीशन था उसका क्या हुआ, जानेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के लिए बेताब है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 को उतारेगा, जिससे पूरे विश्व में एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला पहला देश भारत है। जैसे अभी तक चंद्रमा की धरती पर इंसान भेजने वाला पहला देश अमेरिका है, वैसे अब इतिहास में लिखा जाएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला रोवर भेजने वाला भारत है। बताया जा रहा है कि भारत की इस कामयाबी का डंका पूरे विश्व में बज ही रहा था कि अचानक रशिया ने ऐलान कर दिया था कि वह भी अपना मून मिशन भेजने वाला है। इस मून मिशन का नाम लूना 25 होगा और जो चंद्रमा पर भारत से पहले ही पहुंच जाएगा। इस बात को लेकर के भारत काफ़ी चिंतित था और जितने भी चंद्रयान 3 को चाहने वाले हैं वो भी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है, उस खबर के आने के बाद से आपकी चिंता बिल्कुल दूर हो चुकी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के अंतिम कक्षा में पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा चंद्रयान 3 अब अपने अंतिम पड़ाव में है और वह कभी भी लैंड करने के लिए तैयार हो चुका है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि हालांकि हमारा चंद्रयान 3 अब किसी भी वक्त लैंड करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसे अभी लैंड नहीं कराएंगे। इसके पीछे उन्होंने दो कारण दिए हैं, उस कारण को भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 अब कहां तक पहुंच चुका है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारा चंद्रयान 3 बहुत सही जगह पर पहुंच चुका है। उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताते हुए यह बताया है कि हमारा चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा के अंतिम हिस्से में पहुँच चुका है। मतलब कि अब वह चंद्रमा का अंतिम चक्कर लगाएगा और अंतिम चक्कर लगाने के बाद उसके इंजन से उसका रोवर अलग होगा। बताया जा रहा है कि चंद्रमा के अंतिम चक्कर में पहुंचने के बाद अब हमारा चंद्रयान 3 काफ़ी सुरक्षित हो गया है, क्योंकि चंद्रमा के अंतिम कक्षा में किसी भी देश की पहुंच तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका रॉकेट खुद चंद्रमा का चक्कर न लगा रहा हो। तो इस समय सिर्फ भारत का ही रॉकेट चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। हालांकि अभी रसिया का रॉकेट चंद्रमा तक पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत का जो ये मिशन है, ये जो मून मिशन है चंद्रयान 3, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मतलब कि जैसे होता है कि कोई काम अब हमारा होने वाला है, अब बस एक लेकिन लगा हुआ है, तो वही इस समय चंद्रयान 3 में है। बस उसका अंतिम पड़ाव बचा हुआ है जिसके माध्यम से वह जल्द से जल्द चंद्रमा पर उतर सकता है। इसरो ने बताया कि हालांकि हम चाहें तो चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 3 को कभी भी उतार सकते हैं। मतलब साफ है कि लूना 25 लॉन्च होने के बाद भी हमारे चंद्रयान 3 को पीछे नहीं कर पाएगा।
बताया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 अंतिम पड़ाव में होने के कारण अब हमारा चंद्रयान 3 सेफ भी है। बताया जा रहा है कि इसरो हमारे चंद्रयान 3 को अभी आज या कल इसलिए नहीं उतार रहा है क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण उन्होंने बताते हुए यह बताया है कि हमने निर्धारित किया है कि हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5 बजे उतरेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 अपने निर्धारित समय से अपने पूर्व निर्धारित डाटा के हिसाब से चलता रहे। अगर हम उसमें छेड़छाड़ करके एक दिन पहले या आज या अभी उतार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ करने से एक हल्का सा संभावना बन जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया है कि हम जब चंद्रमा का चक्कर लगा रहे होते हैं तो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा का 3D प्रिंटर बना रहा होता है, साथ ही साथ चंद्रमा के सारे हिस्सों की एक डीप स्कैनिंग हो रही होती है। इसके माध्यम से हमें चंद्रमा के अंदर मौजूद बहुत सारे खनिज पदार्थों की जानकारी रोज मिल रही है, लेकिन हम उसे अभी मीडिया के सामने इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें सेंसर के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है जिसको एनालिसिस करने के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। जब एनालिसिस पूरा हो जाएगा तो हम जरूर बताएंगे। इसरो ने बताया कि ये दो मेन कारण है। पहला कारण ये है कि कहीं हमारे चंद्रयान के साथ कुछ हो न जाए, इसलिए हम उसे फोर्स करके जल्दी से लैंडिंग नहीं करवा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि हम चाह रहे हैं कि चंद्रमा का सारा स्कैनिंग एक बार में हो जाए ताकि हम जब दोबारा मून मिशन भेजें तो दूसरे काम के लिए भेजें। ऐसा ना हो कि एक ही काम के लिए हम 4 बार मून मिशन को भेज रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम दुनिया में और देशों से पीछे हो जाएंगे। और इसी दो कारणों की वजह से चंद्रयान 3 को तुरंत नहीं उतारा जा रहा है। हालांकि इसरो का कहना है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर हमारे चंद्रयान 3 से पहले लैंड हो जाएगा तो हम जरूर उसको पहले उतार देंगे। मतलब साफ है कि आप लोग निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि लूना 25 चंद्रयान 3 से जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि रसिया के पास क्रायोजेनिक इंजन बहुत पहले से है, रसिया के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और रसिया सिर्फ पृथ्वी का एक ही चक्कर लगा के चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, तो इसलिए रसिया के ऊपर ये डाउट है कि हो सकता है उसका लूना 25 जल्दी पहुंच जाए। इसलिए इसरो लूना 25 की गणना लगातार कर रहा है। लूना 25 के ऊपर पैनी नज़र बनाए हुए है ताकि जैसे ही पता चले कि लूना 25 लॉन्च हो चुका है तुरंत उसके दिशा और स्पीड को नापते हुए उस हिसाब से चंद्रयान 3 को लैंड कराया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि लूना 25 के पहुंचते पहुंचते हमारा चंद्रयान 3 ऑलरेडी लैंड हो चुका रहेगा तो हमारे चंद्रयान 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और मुझे लगता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाने से ही सबसे अच्छे तरीके से लैंड होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फोर्स तरीके से उसे लैंडिंग करानी चाहिए या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।